स्टेटमेंट दे दूंगा जो जनरल किस्म की होगी, एंड उसके बाद फिर दो चार सवाल आपसे ले लूंगा। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पहले फेज का पोलिंग था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के 6 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में से 2 के लिए पोलिंग हुई। जम्मू डिवीजन में जम्मू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी और कश्मीर डिवीजन में बारामूला पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, लद्दाख डिवीजन की इलेक्शन बाद में। इन 2 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ये दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जनरल कैटेगरी के थे और ये रिजर्व नहीं। टोटल मेल वोटर्स थे 17,16,985, फीमेल वोटर्स 16,897, टोटल 33,17,882। टोटल सर्विस वोटर्स वर 47,155, एएसटी 18,691, पोस्टल बैलेट 3,031, ईडीसी 2,854, मेल कैंडिडेट्स 33, बारामूला 9 एंड जम्मू 24, देर वर नो फीमेल कैंडिडेट्स, नो एससी कैंडिडेट, नो एसटी कैंडिडेट। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वर 4,489 प्लस 21 माइग्रेंट पोलिंग स्टेशन। जनरल ऑब्जर्वर्स 12, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 8, माइक्रो ऑब्जर्वर्स 462, पुलिस ऑब्जर्वर्स 7, पोलिंग पर्सनल्स 7,692, रिजर्व 17,956, वेब कास्टिंग डन एट 484 पोलिंग स्टेशंस। एज पर द लास्ट रिपोर्ट केम इन, as we have not seen the 17C form. Total voting percent in Jammu was 72.19%, and Baramula 35.01%. So after examining 17C form, we would be able to give you exact figures. But this figure should be very close to the real one. Thank you. And one more thing, the polling has been very peaceful in Jammu division as well as in Kashmir division. It was incident-free polling today. And we congratulate all candidates, all political parties, all voters, all participants, officials, police, paramilitary forces who were deployed for duty for conduct of very successful and peaceful election today. सर पुंछ से कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ ईवीएम में कुछ खराबी थी, या फिर कुछ ईवीएम्स ऐसी थी जहां पर कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की जो बटन था वो काम नहीं कर रहा था, तो क्या कंप्लेंट्स थी और क्या उसमें फिर रिजल्ट्स आए? जब ये कंप्लेंट मिली तो हम लोगों ने इसको तुरंत से उसके सारे ईवीएम बीयू सीयू और वीवीपैट चेंज कर, जम्मू पीसी में जो है 75.74%, सांबा डिस्ट्रिक्ट 6 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैविंग 4 डिस्ट्रिक्ट, वन इज सांबा डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग टर्नआउट इज 75.14%, जम्मू डिस्ट्रिक्ट टर्नआउट इज 74.50%, रजौरी डिस्ट्रिक्ट इज 65.73%,
एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट इज 70.42%. ओवरऑल जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी टर्न आउट इज 72.16%. Is it more than the previous? More than the previous, or hopefully it will increase after the receiving of 17A and 17C. Exact figure will become after the scrutinize of the overall 17A, 17C. Some polling station are in shadow area. We could not connect with them in communication. That will come political party. We will reconcile and share with you. Sir, there are reports that Bharatiya Janata Party Chief Ravinder Rana has been issued a notice for violating poll code. So let me see it. Sir, could you please provide the details about number of first-time voters participating in this constituency? Not exactly this time. Sir, Satwari mein Narwal Paini ke ilaqa hai, wahan par takriban 200 voters keh rahe ke hamare voters isme naam nahi hai, protest ke aake bulate hain. 40 karon ke logo ke jo naam nahi hai. Voter list mein naam kaise nikal jata hai, uske do tarike hain. Ek, किसी ने डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन और दूसरी अगर उसी नाम फोटोग्राफ के साथ सिमिलर एंट्रीज कहीं पर होती है तो फिर वो डिलीट हो जाती है. सो वो जैसे लोगों ने आपको बताया उनसे चेक करिए कि क्या उनका नाम किसी और पोलिंग स्टेशन पर या किसी और कंस्टिट्यूएंसी में है क्या. ईरोनेट जिस पर कि इस बार सारे इलेक्टोरल रोल रखे गए थे उसमें जो सिमिलर एंट्रीज थी डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज वो उसको निकाल देता है. आई वुड लाइक टू सी दोस डिटेल्स. किसने क्या कहा उसके बिना पर आई कांट आंसर. सो अगर ऐसा कोई कहीं पर आता है अगेन डेड वोटर्स डिलीट करने का तरीका यही है कि या तो ईआरओ को इज नो मोर तो फिर उसको हटाया जाता है या जो उसके फैमिली मेंबर फिर फॉर्म 8 डाल के और फिर उसका नाम डिलीट कराते हैं. आर यू हैप्पी?